नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल योजना एक्सप्रेस में। हम आपको सभी प्रकार की सरकारी योजना के बारे में जानकारी देते हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उज्ज्वला योजना के बारे में। दोस्तों हमारे पिछले वीडियो में बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर हमें उज्ज्वला योजना के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए, हम इसमें अप्लाई कैसे करें। तो दोस्तों ये वीडियो आज मैं उज्ज्वला योजना के बारे में लेकर आया हूँ, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। तो दोस्तों आपको बताते हैं उज्ज्वला योजना है क्या। तो दोस्तों जिस इस योजना के अंतर्गत दोस्तों महिलाओं को केंद्र सरकार की तरफ से फ्री में गैस सिलेंडर दिया जाता है, या आप ये भी बोल सकते हैं महिलाओं को फ्री में एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया जाता है। क्योंकि दोस्तों भारत के अंदर हमेशा से बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो गरीबी के कारण गैस सिलेंडर लेने में असमर्थ होते हैं, जो जिनके कारण महिलाएं चूल्हे पर ही खाना पकाती है। ज्यादातर गाँव में आज भी महिलाएं हैं जो चूल्हे पर ही खाना पकाती है, जिसके कारण महिलाओं को रोजाना काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों जैसे जिस प्रकार की समस्या सामना करना पड़ता है, धुएं के बीच खाना पकाना, जिसके कारण स्वास्थ्य संबंधी बुरा प्रभाव पड़ना, वायु प्रदूषण होना, साथ ही दोस्तों स्वास्थ्य संबंधी कई ऐसे रोग हो जाते हैं जिसके कारण महिलाओं को खाना बनाने में दिक्कत आती है या उनके स्वास्थ्य में भी प्रभाव पड़ता है, साथ ही स्वास्थ्य संबंधी कई और बीमारियां भी हो सकती है। तो दोस्तों इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने महिलाओं को धुएं से निजात दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी, जो 1 मई 2016 को इस योजना का शुरुआत की गई थी। तो दोस्तों इस योजना का लक्ष्य था दोस्तों जिन गरीब परिवारों को महिलाएं गैस कनेक्शन लेने में असमर्थ होते हैं, मतलब पैसे नहीं होने के कारण गैस कनेक्शन खरीद नहीं पाते हैं, ऐसे गरीब परिवारों को सरकार की तरफ से फ्री में गैस कनेक्शन या सिलेंडर उपलब्ध कराया जाता है, ताकि महिलाओं को चूल्हे व धुएं से निजात, रोजाने की समस्याओं से निजात पाया जा सके। दोस्तों इस योजना के अंतर्गत अभी तक 6 करोड़ परिवारों को इस योजना का लाभ मिल चुका है, और अभी इस योजना का लक्ष्य है 8 करोड़ परिवारों तक इस योजना का लाभ पहुंचे, ताकि कोई भी व्यक्ति है जो चूल्हे पर खाना ना बनाए, ताकि उनके स्वास्थ्य संबंधी कोई भी बीमारी ना हो, वह स्वस्थ रहे, महिलाओं के सशक्तिकरण में वृद्धि हो। इस योजना का कुल बजट दोस्तों 8,000 करोड़ रुपए पास किया गया है। तो दोस्तों अभी भी किसी परिवार में गैस कनेक्शन नहीं है या गैस कनेक्शन लेने में असमर्थ है, तो दोस्तों आप इस योजना का लाभ ले सकते हो। आप कनेक्शन के लिए अप्लाई करके इस योजना के अंतर्गत फ्री में गैस कनेक्शन पा सकते हो, जो बिल्कुल फ्री होगा, इसके लिए आपको किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लगेगा। तो दोस्तों अब ये सवाल ये आता है कि इस योजना का लाभ कैसे लें, इस योजना के लिए अप्लाई कहाँ करें और कैसे करें। तो आपके मन में बहुत से सवाल आ रहे हैं इस प्रकार के, दोस्तों आपके सभी सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, संपूर्ण जानकारी दूंगा इस वीडियो में मैं आपको उज्ज्वला योजना के बारे में। दोस्तों उससे पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल योजना एक्सप्रेस को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर दें, ताकि आपको जब भी हमारे को नेक्स्ट वीडियो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। कि स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं, मैं संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं इस योजना का लाभ किसको मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ कैसे उठा सकते हैं लाभ। अब दोस्तों यहां पर देख सकते हैं प्रधानमंत्री योजना के तहत सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को घरेलू रसोई गैस एलपीजी गैस कनेक्शन देती है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना दोस्तों प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से कमजोर वर्ग के परिवारों, खासकर महिलाओं को बहुत राहत मिली है। इसे 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया में लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत दोस्तों सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को घरेलू रसोई गैस एलपीजी गैस कनेक्शन देती है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना केंद्र सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से चलाई जा रही है। ग्रामीण इलाकों में खाना पकाने के लिए परंपरागत रूप से लकड़ी व गोबर के उबले का प्रयोग इस्तेमाल किया जाता है, तो इससे निकलने वाले धुआं का खराब असर महिलाओं के स्वास्थ्य पर पड़ता है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के ऐसी महिलाओं को राहत मिलती है, साथ ही इससे ग्रामीण इलाके को भी स्वच्छ रखने में मदद मिलती है। दोस्तों किसे मिल सकता है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ। अब दोस्तों प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में साल 2011 की जनगणना के हिसाब से जो परिवार बीपीएल के कैटेगरी में आते हैं उन्हें इस योजना का लाभ मिल सकता है। इस योजना के तहत दोस्तों 8 करोड़ बीपीएल परिवारों को फ्री में एलपीजी गैस कनेक्शन देने का उपलब्ध लक्ष्य रखा गया है। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से लोगों को क्या लाभ मिलेगा। दोस्तों शुद्ध ईंधन के प्रयोग से महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार होगा, और जीवाश्म ईंधन के प्रयोग न करने से वातावरण कम प्रदूषण होगा, खाने पर धुएं के असर में से मृत्यु में कमी आएगी, छोटे बच्चों में स्वास्थ्य संबंधी छुटकारा पाया जाएगा। दोस्तों प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए कैसे करें आवेदन। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत दोस्तों गैस कनेक्शन लेने के लिए बीपीएल परिवार की कोई भी महिला आवेदन कर सकती है। इसके लिए आपको KYC फॉर्म भरकर नजदीकी एलपीजी केंद्र में जमा कराना होगा। दोस्तों आपके नजदीकी जो जहाँ पे गैस वितरण की जाती है वहां पे आप इसको
अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के आवेदन के लिए 2 पेज का फॉर्म होगा, जरूरी दस्तावेज नाम पता जन धन बैंक अकाउंट नंबर आधार नंबर आदि की जरूरत पड़ती है। आवेदन करते समय आपको ये भी बताना होगी कि आप 14.2 किलोग्राम का सिलेंडर लेना चाहते हैं या 5 किलोग्राम का, क्योंकि दोस्तों 2 प्रकार के सिलेंडर दिए जाते हैं केंद्र सरकार की तरफ से, जो 1 14 किलो का होता है और 1 5 किलो का होता है। दोस्तों अब कहाँ से मिलेगा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का फॉर्म? तो दोस्तों प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के आवेदन पत्र आप प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आप नजदीकी LPG केंद्र से भी आवेदन फॉर्म ले सकते हैं। अगर आप दोस्तों वहां से नहीं लेना चाहते तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। अब दोस्तों नीचे आता है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए कौन से दस्तावेज जरूरी है। तो दोस्तों पंचायत अधिकारी या नगर निगम पालिका अध्यक्ष द्वारा अधिकृत BPL कार्ड, BPL कार्ड, राशन कार्ड, फोटो आईडी कोई भी हो सकती है दोस्तों, आधार कार्ड, वोटर आईडी, जो भी एक आईडी होनी जरूरी है, पासपोर्ट साइज की फोटो, राशन कार्ड की कॉपी, राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित शो घोषणा पत्र, LIC पॉलिसी, बैंक स्टेटमेंट, BPL सूची में नाम का प्रिंट आउट है। अब दोस्तों प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए अन्य जरूरी बातें, आवेदक का नाम SECC 2011 के आंकड़ों में होना चाहिए, मतलब दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार इस योजना में उसका नाम होना चाहिए। आवेदक महिला होनी चाहिए जिसकी उम्र 18 साल से कम ना हो, मतलब दोस्तों आवेदक सिर्फ महिला ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, पुरुष इसमें आवेदन नहीं कर सकते। जिसकी उम्र होनी चाहिए 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। महिला BPL परिवार से ही होनी चाहिए। महिला का एक बचत खाता किसी भी राष्ट्रीय बैंक में होना अनिवार्य है। आवेदक के घर में किसी के नाम से पहले से कोई LPG कनेक्शन नहीं होना चाहिए। आवेदक के पास BPL कार्ड और BPL राशन कार्ड होना चाहिए। हर परिवार को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 1600 रुपए की सहायता भी दी जाती है। भारत सरकार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में हर योग्य BPL परिवार के वित्तीय सहायता योजना के तहत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 1600 रुपए की आर्थिक सहायता देगी। ये रकम LPG गैस कनेक्शन खरीदने के लिए होगी। इसके साथ चूल्हा खरीदने पर पहली बार LPG सिलेंडर भराने में आने वाले खर्च चुकाने के लिए किस्त की सुविधा भी दी जाती है। दोस्तों अब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। दोस्तों आपको मेरी बताई गई जानकारी आपको समझ आ गई होगी। दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी सवाल या कोई भी मन में या कोई भी डाउट है तो वो क्लियर करना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मेरी बताई गई जानकारी आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को योजना एक्सप्रेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन क्लिक करिए ताकि आपको जब भी हमारे को नेक्स्ट वीडियो है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी परिवारों को इस योजना का लाभ मिल सके, जिन्होंने अभी तक इस योजना का अप्लाई नहीं किया वो इस तरह से अप्लाई कर सके। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ।